बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग। आज मैं आपको सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। घर में ही चीज़ें मेरे मौजूद थी, मैंने बेकरी से सिर्फ ये ब्रेड ली है। ये आपके सामने है ब्रेड, और ये मैंने चीज़ें ली हैं बंद गोभी, साथ इसके मैंने ली है हरी मिर्च, टमाटर के स्लाइस काटे हुए, और साथ मैंने खीरा। ये है अंडा, और ये दाल आप घर में जो भी दाल बनी हो ना, बस वो आप सैंडविच बनाने के लिए यूज़ कर लिया करें। सैंडविच लाजमी नहीं है कि आप पहले उसका तैयार करें मटेरियल के, शामी कबाब वगैरह बनाएं वो फिर सैंडविच में ऐड करें। घर में जो भी दाल बनी हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ इसमें हमें कैचअप की भी ज़रूरत होगी, जब हम सैंडविच बनाएंगे तो साथ इसमें हम कैचअप भी ऐड करेंगे। तो मैं जो कैचअप यूज़ करती हूँ वो है ये शंग्रीला की है, चिली गार्लिक सॉस है, ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। और इसके साथ हमें चाहिए ये देसी घी, क्योंकि मैंने ये कल ही बनाया था देसी घी, तो मैं देसी घी में बच्चों को बना के दूँगी ताकि उनकी सेहत भी ठीक रहे, वो अच्छे रहें। तो आपके सामने इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। इसमें मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, हरी मिर्च का करना है। साथ हसबे ज़रूरत हम नमक ऐड कर लेंगे। चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे में मैंने हरी मिर्च और नमक डाल दिया है, अब मैं इसको चम्मच की मदद से फेंट लूंगी। ये तवे पे मैंने डाल दिया है देसी घी, गर्म जब हो गया तो मैंने अंडा फेंट के उस पर डाल दिया। अब मैं इसकी साइड जो है वो बदल लूंगी ताकि ये दोनों साइडों से पक जाए अच्छे तरीके से। जी अंडा मेरा गोल्डन ब्राउन हो गया, अब मैं इसको उतार लूँगी, एक प्लेट में निकाल लूँगी। जी अंडा मैंने प्लेट में निकाल के रख लिया है अलहदा। अब मैं तवे पे दोबारा देसी घी डालूँगी और इसमें मैं ब्रेड जो है वो गर्म कर लूँगी अच्छे तरीके से। ये मैंने तवे पे देसी घी डाल के ब्रेड गर्म होने के लिए ऊपर रख देंगे। जब ये भी लाइट से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं ये उतार लूँगी तवे से। थोड़ा सा देसी घी मैंने इधर भी लगा दिया इस साइड पे भी। ये एक साइड इसकी अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई है। हाँ जी, ये देखें जब ये ब्रेड गोल्डन हो गए तो मैंने तवे से नीचे उतार के से एक प्लेट में रख लिया। एक ब्रेड पे मैंने दाल लगा दी जो मैंने घर में बनाई थी वो, और एक ब्रेड पे मैंने चिली गार्लिक सॉस या टमाटो केचप जो भी आपके पास है वो लगा दी मैंने। तो आपने भी इसी तरह कर लेना। फिर मैंने इसके ऊपर बंद गोभी लगानी है, स्प्रिंकल कर देनी है, बारीक बारीक काटनी है, मोटी मोटी नहीं काटनी है आपने। दूसरी साइड पे मैं इधर टमाटर रख दूंगी, ये भी आपने बारीक बारीक ही काटने हैं। अंडा रख दिया, अंडा रखने के बाद ही मैंने दूसरा स्लाइस जो है वो इसके ऊपर इस तरह रख देना है, ठीक है, जिस पे मैंने ये टमाटर भी लगाए थे। ये सैंडविच पूरा बनने के बाद आपने इसको दोबारा तवे पे रखना है ताकि ये थोड़ा सा और गर्म हो जाए, दोबारा से ये हीट पकड़ जाए, और छुरी की मदद से आपने इसको दरमियान से इस तरह काट लेना ताकि जो टू पीसेस में डिवाइड हो जाए। जब भी आप ब्रेड बनाएं सैंडविच बनाएं तो इसके ये किनारे जो है ना ये ना अलहदा किया करें, ज़ाया ना किया करें कोई भी चीज़। रिज़क अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो आप इसको ज़ाया करके फेंका ना करें। ये
ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, तो इसकी कितनी खूबसूरत लेयर्स ये नज़र आ रही हैं इसमें। ये एक खीरे की हो गई, ये साथ टमाटर की हो गई, तो ये साथ एग भी है इसमें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। टीचर्स कुकिंग, इट्स लुकिंग सो यमी।